हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर मेरे पास कोई भी गप्पी फिशेज है ये टैंक के बाहर में क्यों जम कर जाती है, या फिर मैं कहीं भी पर भी अगर एक छोटे से जग वगैरह में रखता हूँ तो वो हमेशा जग के बाहर में जम कर जाती है, इसका रीज़न क्या है। मेरे पास एक प्रेगनेंट गप्पी फिश है, ये हमेशा टैंक के बाहर में जम करके मर जाती है, इसका रीज़न क्या है। हर कुछ के बारे में क्यों करती है, क्या इसका सोल्यूशन है, सब कुछ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज का जो भी वीडियो है कम्प्लीटली पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही गलत बात है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला सबसे मेन रीज़न के बारे में जिसके वजह से ये फिश जो है ये पानी के बाहर में जम करने का कोशिश करती है, वो होता है डर्टी वाटर। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी का क्वालिटी वगैरह में एकदम ध्यान नहीं देते या फिर पानी को रेगुलर चेंज वगैरह नहीं करते हैं। इसके वजह से पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, पानी में अमोनिया नाइट्रेट हार्मफुल केमिकल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा जब बिल्ड हो जाता है फिशेज अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो वो क्या करेगी, वो पानी के बाहर में जम करेगी क्योंकि उसको पानी जो है एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा, उसके लिए सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगी उस टाइम पे पानी के बाहर में जम करने का कोशिश करेगी। इसलिए अगर आपकी फिशेज भी ऐसा कर रही है तो सबसे पहले आप अपने टैंक का 50% पानी चेंज कर दीजिए और उसके जगह में फ्रेश पानी डालिए जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह ना हो, कोई भी क्लोरीन वगैरह ना हो। ये सारा चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारे चीज़ के वजह से भी आपकी जो फिश है वो पानी के बाहर में जम करने का कोशिश करती है। सेकेंड एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है ये फिश का पानी के बाहर में जम करने का, वो है अगर आपके टैंक का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, फिशेज को वो टैंक का जो टेम्परेचर वो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो वो क्या करेगी उस पानी के बाहर में जम करने का कोशिश करेगी, तब भी ये फिश ऐसा कर सकती है। इसलिए टैंक में एक थर्मोमीटर होना जो कि आपके टैंक का टेम्परेचर बताए कि कितना है, और उसके साथ ही साथ एक टैंक में हीटर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टैंक का पानी को वार्म नहीं रखिएगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा रातों रात कोई फिशेज जो थी वो टैंक के बाहर में जम कर गया और वो फिर आप थे नहीं तो वो बाहर में ही बेचारी तड़प तड़प के मर गई। इसलिए ये सारा गलती को कभी भी मत कीजिएगा। टैंक में एक हीटर होना ठंडे के टाइम में इस फिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर आता है हाई स्ट्रेस। ये जो हाई स्ट्रेस है ये बहुत सारे रीज़न के वजह से हो सकता है। अगर आप कोई न्यू इस टाइप की फिशेज अगर बाय करके लेके आए तब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, या फिर अगर आप उस फिश को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या कोई फिश उसको बहुत ज़्यादा बुली कर रही है, दूसरी ही फिशेज उसको बहुत ज़्यादा चेस कर रही है, परेशान कर रही है, यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई भी फिश है जो कि बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है उस टाइम पे भी इस फिश का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है। और नॉर्मली जब भी ये फिश का जो स्ट्रेस है वो ऊपर जाता है, वो उस फिश के कंट्रोल के बाहर में जब सब कुछ जाने लगता है तब देखिएगा ये फिश का बहुत ही कॉमन सा बिहेवियर उस टैंक के बाहर में वो जंप करने का कोशिश करेगी। इसलिए भी टैंक को कवर रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक्वेरियम को एक्वेरियम के ढक्कन से वगैरह से कवर अगर नहीं कीजिएगा तो डेफिनेटली वो देखिएगा बाहर जंप कर जाएगी और आप खोजते रह जाइएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, वो फिश को आप खोजते रह जाएगा लेकिन वो मिलेगी नहीं, वो लेकिन ज़मीन पे अब गिर चुकी है, वो तड़प तड़प के इधर से रूम के उस कोने में चले गए, रूम के बाहर चले गए, ऐसा भी बहुत बार हुआ। और हम लोग सोचते हैं ये फिश अचानक से एक्वेरियम से गायब कैसे हो गए, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। ये सारे फिशेस को अगर आप अपने टैंक में रखे तो उसको कवर करके रखें, या फिर कोई भी ओपन पॉन्ड वगैरह में रखे तो वहाँ पर उसको कवर करके हल्का नेट वगैरह से डाल के रखें जिससे कि ये फिशेज अगर जंप करती भी है तो वापस पानी में गिर जाए। कवर नहीं करने के वजह से भी फिशेज को बहुत ही ज़्यादा परेशानी आएगा, यहाँ तक कि आप लोग जैसे जानते हैं फिशेज मर भी सकती है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार इंसिडेंट हुआ है, मेरे फिश पॉन्ड में एक फिश जो थी वो बाहर गिर गई थी, तो बाहर जंप करके आ गए। अब मैं अचानक से जब पैलेट्स वगैरह देने आए देखा कि वहाँ पर एकदम सूखी पड़ी थी वो मौली फिश। अब मुझे लगा कि अब ये फिश बचने नहीं वाली, एकदम सूखी हुई थी, उसको मैं हाथ से उठाया, उसके बाद देखा कि वो हल्का हल्का अपना टेल को मूव कर रही, पीछे वाला टेल जो था उसको हल्का हल्का मूव कर रही। मैं अचानक से डर गया, मैंने सोचा अरे इसमें अभी भी जान है, तुरंत उसको पानी में हल्का हल्का करके पानी का उसको फिर वापस आदत दिलाने लगा। उसके बाद बहुत हल्के से अगर आप भी देख रहे हैं आपके फिश जिंदी है उसमें अभी भी लाइफ है तो उसको अचानक से पानी में मत डालिए। अचानक से पानी में जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक मारेगी, उसको धीरे धीरे उसके बॉडी में पानी लगाइएगा, धीरे धीरे उसका बॉडी जो है वो धीरे धीरे वेट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे उसको ताकत आने लगेगा, जैसे उसको थोड़ा थोड़ा ताकत आने लगेगा उसको फिर धीरे से पानी में रिलीज़ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बहुत ही ध्यान से उसको देखते रहना वो कर क्या रही है। अगर उसको स्विमिंग करने में थोड़ा वो देखिएगा धीरे धीरे अपने पहले
तो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर उसको देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है पानी के ऊपर आने में कुछ में, तो उसको हल्का फुल्का हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि वो ब्रीदिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही है, कोई भी चीज़ नहीं कर पा रही, तो उसको हेल्प कीजिएगा। या फिर अगर आप उसको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है, पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो उसको कोई ट्रे में रख दीजिए जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, जिसमें वो इत्मीनान से स्विम, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऊपर आना चाह रही है तो वो आ नहीं पा रही है, तो इसलिए उसको ट्रे में रख दीजिए जो कि बहुत ज़्यादा डीप ना हो, कम से कम भी इतना डीप हो जिसमें वो इत्मीनान से स्विम करें। वो देखिएगा धीरे 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 करके रिकवर करेगा, उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो सकती है। तो मेरे पास ऐसा जो फिश थी वो कम से कम भी मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, मुझे एक्चुअल पता नहीं है लेकिन मैं बस एक गैस मार रहा हूँ कि 4 घंटे तक शायद वो पानी के बाहर थी, उसके बाद वो फिर पानी में आई। मतलब सोच सकते हैं ये फिश कितना ज़्यादा हार्डी होती है, इसलिए भी टैंक को कवर करके रखिएगा, जो कि मेरे साथ हुआ, ये गलती आप लोगों के साथ ना हो, टैंक्स वगैरह को कवर करके रखिए, तो इससे भी ये जो फिश है ये बाहर जंप नहीं करेगी, या फिर करती भी है तो टैंक में वापस आ जाएगी। फोर्थ नंबर पे आता है स्मॉल टैंक साइज, या फिर अगर आप इस फिश को देखिएगा कोई छोटे से जग वगैरह में रख, वो पहले पहले एक्वेरियम में थी, अच्छे से स्विम करती थी, काफ़ी सालों से वहाँ पर थी, अब उसको पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसको आप जग में निकाल के बाहर रखें, तो उस टाइम पे भी आप देखिएगा वो फिश तुरंत में एकदम घबरा जाएगी, सोचिएगा अरे इतना बड़ा जगह से मैं इतना छोटा जगह में कैसे आ गए, तो वो देखिएगा उस टाइम पे भी वो देखिएगा उसके बाहर में जंप करेगी। ये भी बहुत ही बड़ा गलती होता है, बहुत लोग से ऐसा होता है पानी वगैरह चेंज करते हैं, जग वगैरह में फिशेज रख देते हैं, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद जब देखते तो दिखते पानी में कोई फिशेज है नहीं, वो बाहर में तड़प रही है। तो इसलिए भी ये सारे फिशेज को छोटी जगह में अगर आप रखिएगा तो इसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, जब उसको एकदम भी सही नहीं लगता वो पानी, तो देखिएगा उसके बाहर में जंप करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमेशा ये सारी चीज को कवर करके रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट सबसे बड़ा रीजन जो आता है ये फिश का बाहर जंप करने का, वो तब भी आता है जब ये फिश बर्थ देने वाली है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, ये फिश अगर बर्थ देने वाली भी होगी तब भी इसका स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। उस टाइम पे पानी को फ्रेश रखना, पानी का टेम्परेचर वार्म रखना, पानी का क्वालिटी को मेंटेन करना, हाई पीएच लो पीएच ये सारे चीज को चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैंक मेट्स वगैरह को देखना, ये सारा चीज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई फिश बहुत ही ज्यादा किसी दूसरी फिश को परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से स्विम कर रही है, तेजी से उसको चेस कर रहा है, तो उस टाइम पे भी देखिएगा वो अगर किसी कोने वगैरह में फंस जाएगी तो उस टैंक के बाहर में वो जंप कर जाती है। इसलिए ये सारे चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेनली जब कोई फिश बर्थ देने वाली होती है तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली वो टैंक के बाहर में कई बार जंप करती है अगर उसका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। इसलिए न्यू फिशेज वगैरह लाए हैं, कोई भी फिशेज है, इसलिए उसमें एक्वेरियम का कवर रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मली ये सारे फिशेज के लिए। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जितना भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे हम लोग मौली फिशेज, कप्पी फिशेज का ब्रीडिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग फ्राइज का टेक केयर कर सकते हैं, मेरे पास इतनी सारी फ्राइज है, ये लोग ग्रोथ एकदम ही स्टॉप हो गया, तो ये सारे का ग्रोथ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो चाहिए तो पहले से मेरा बहुत सारा ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस है, वो सारा वीडियोस का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके साथ ही साथ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं मौली फिशेज, गप्पी फिशेज, पैरेट फिशेज, ऑस्कर फिशेज, सारी फिशेज का बहुत सारा प्लेलिस्ट है, वो सारा प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्दी ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।